इट्स मी शानविका, होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लैमरस ठिकाना। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डेली में यूज की जाने वाली कुछ ऐसी क्रीम जो आपकी स्किन को सन से भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे, साथ में ही एंटी पोल्यूशन फेस क्रीम भी आपके साथ शेयर करूंगी और कुछ ऐसी फेस क्रीम जो आयुर्वेदिक होने के साथ साथ आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करने में हेल्पफुल रहेंगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी क्रीम है जो आप डेली में अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डूइंग लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो इसको लाइक जरूर कर देना और इसी के साथ आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और वीडियो में दिखाए हुए सभी प्रोडक्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सी फेस क्रीम है जिन्हें हम डेली में अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर आती है ग्लैम अप। अगर आपको चाहिए थोड़ा सा भी टिंटेड या फाउंडेशन जैसा इफेक्ट अपनी फेस क्रीम में तो यहाँ पर आप ग्लैम अप की ये लाइट मेकअप क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। डेली के लिए बहुत ही बेस्ट क्रीम है। यहाँ पर पंप एप्लीकेशन आपको मिलती है और इसका रिव्यू भी मैंने सेपरेट सभी प्रोडक्ट्स का बनाया हुआ है। सो गाइज, यहाँ पर जो ग्लैम अप की मॉइस्चराइजिंग लाइट मेकअप क्रीम है ये डेली में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहती है। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज तो करती है, साथ में इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन जैसा टिंट भी आपको दिया गया है जो आपकी स्किन को इवन तो बनाते ही है, साथ में आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करके रखता है। तो डेली में आप इस तरीके की क्रीम भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आती है विको टर्मरिक क्रीम, जो कि एक आयुर्वेदिक क्रीम है और आप इसको डेली में लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग फुल डे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्रीम है, ये आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है। इसका सेपरेट रिव्यू मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है, आप वीगो की प्लेलिस्ट में उसको ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। तो डेली में ये क्रीम बहुत ही बेस्ट वर्क करती है, इवन आप इसको नाइट में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो क्रीम इसमें अवेलेबल है, एक के अंदर तो सैंडलवुड ऐड किया गया है और दूसरे विदाउट सैंडलवुड है। सो इस क्रीम को डेली में अप्लाई करने से पहले आपको बस अपने फेस पर सनस्क्रीन लोशन जरूर अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर टर्मरिक और साथ में ही चंदन को ऐड किया गया है, जिसकी वजह से अगर आपने इससे पहले सनस्क्रीन लोशन अप्लाई नहीं किया तो धूप की वजह से ये आपकी स्किन को थोड़ा सा डल भी बना सकती है। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन लोशन जरूर अपने फेस पर आप अप्लाई कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर आती है स्पिंज की बीबी क्रीम, जिनको डेली में मॉइस्चराइजिंग क्रीम चाहिए और चाहिए हल्का सा अपने फेस पर कवरेज जो आपकी स्किन को फेयर भी दिखाए, ब्राइटन भी दिखाए और साथ में ही आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करके रखे और सन प्रोटेक्टिंग पावर भी आपको दे। तो ऐसे में आप स्पिंज की बीबी क्रीम यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। यहाँ पर जो स्पिंज की बीबी क्रीम है ये बहुत ही अच्छा वर्क करती है, डेली पर्पज के लिए दी बेस्ट ये क्रीम है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है मामा अर्थ एंटी पोल्यूशन फेस क्रीम, जिसके अंदर टर्मरिक भी ऐड की गई है, साथ में ही इसके अंदर जो प्रोटेक्टिंग पावर है अगेंस्ट पोल्यूशन बहुत ही अच्छी है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट करके रखती है। अगर डेली में ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आती है पोल्यूशन के, तो ऐसे में आपको मामा अर्थ की एंटी पोल्यूशन क्रीम ही अप्लाई करनी चाहिए। इसके अंदर थोड़ा बहुत SPF तो दिया हुआ है, बट इससे पहले आपको ज़रूर एक बार SPF अप्लाई करना है अपने फेस पर। यह आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखेगी पोल्यूशन से और आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करके रखेगी। बहुत ही अच्छी मॉइस्चराइजिंग फेस क्रीम है। नेक्स्ट यहाँ पर आती है वैसलीन की ऑल पर्पस क्रीम, ये भी गाइज बहुत ही अच्छी क्रीम है डेली पर्पस के लिए। इसके अंदर ग्लिसरीन एंड विटामिन ई भी ऐड किया गया है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है ना, तो ऐसे में आपको ये वैसलीन की ऑल पर्पस क्रीम एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। इवन आपके हैंड्स पर, एल्बोज पर, नीज पर बहुत ज़्यादा अगर ड्राइनेस की प्रॉब्लम है तो ये वैसलीन की ओनली 62 रुपीज़ में आने वाली क्रीम बहुत ही अच्छा वर्क करती है, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इसके अंदर बस SPF इंक्लूड नहीं है, तो यहाँ पर इसको अप्लाई करने से पहले आपको सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करना है एक बार, और उसके बाद आप इसको अपने फेस पर, हैंड पर, लेग्स पर और इवन अपनी नीज़ पर, एल्बोज पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आती है लैक्मे की पीच मिल्क मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ये ऑल स्किन टाइप के लिए एकदम परफेक्ट है एंड ओनली 99 रुपीज़ में आपको मिल जाती है। डेली में आप इस तरीके की क्रीम को, मॉइस्चराइजिंग क्रीम को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है और अगर आपकी स्किन ऑयली है ना तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो ये इतना आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेट करके नहीं रखेगी, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है और आप समर में कोई इस तरीके की मॉइस्चराइजिंग क्रीम देख रहे हैं अपने फेस के लिए, तो डेफिनेटली लैक्मे की ये जो पीच मिल्क मॉइस्चराइजिंग क्रीम है बहुत ही अच्छा वर्क करती है और ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ ट्रैवल फ्रेंडली भी है, बहुत ही इजीली आप इसको कैरी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है न्यूट्रीजीना का अल्ट्रा शीट ड्राई टच सन ब्लॉक, जिसके अंदर SPF 50 है। बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन लोशन है प्लस मॉइस्चराइजिंग लोशन है। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और वो किसी भी तरीके की क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करना नहीं चाहते, तो ऐसे में आप सिंपली ये वाला जो न्यूट्रीजीना का सनस्क्रीन लोशन है ये अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। यह आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज करके रखेगा और साथ में ही आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करके रखेगा।
गाइस बहुत ही अच्छा सनस्क्रीन है डेली के लिए, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए अगर आपकी स्किन ड्राई है कॉम्बिनेशन या फिर नॉर्मल है। ऑयली स्किन के लिए यहाँ पर दूसरे जो सनस्क्रीन अवेलेबल हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर भी उनको चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है, मॉइस्चराइज करके रखता है और इवन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करके रखता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट हो जाता है। डेली में आप इस तरीके का सनस्क्रीन लोशन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है लोटस का वाइट ग्लो फेस क्रीम, SPF 25 है, तो थोड़ा बहुत SPF इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, तो डेली के लिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अगर आप अपने फेस पर कोई भी इस तरीके की लाइटनिंग ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहते हैं, हल्का सा ग्लो अपने फेस पर चाहते हैं, तो ऐसे में आप लोटस का ये वाइट ग्लो फेस क्रीम अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। डेली के लिए ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है। सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं इनको ऑलरेडी मैं अपने डेली में फेस पर अप्लाई कर चुकी हूँ। एंड इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फेस क्रीम्स भी होती हैं, जैसे हिमालय की फेस क्रीम हो गई और साथ में ही पॉन्ड्स की बीबी क्रीम हो गई, ये भी आप डेली में अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास उनकी पैकेजिंग भी अवेलेबल नहीं थी, उनको भी मैंने डेली में ट्राई किया हुआ है, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताने कि आप डेली में कौन सी फेस क्रीम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं या फिर कौन सा सनस्क्रीन लोशन अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, कमेंट करके गाइस मुझे ज़रूर बताना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल रही तो इसको प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और इसी के साथ आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।